आज जो पिछला JEE भर्ती केस चल रहा है उसी के अनुसंधान के सिलसिले में 8 जगह तो जयपुर में है और 4 जगह, 3 जगह दौसा और 1 जगह भरतपुर में जो अरेस्टेड एक्यूज हैं उनके रिलेटेड जो ठिकाने हैं जहां हमें ऐसा अंदेशा था कि जहां से कोई एविडेंस हमें मिल सकता है, और इनके बारे में, इनके संपत्तियों के बारे में, इनके लिंकेजेस के बारे में और जो अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल सकते हैं तो उसको लेके आज सुबह छापामारी हुई थी। जो डिटेल टीम है और कहाँ क्या बरामद हुआ है और किसकी क्या संपत्तियाँ उजागर हुई है वो जो है प्रेस नोट, उससे डिटेल पता चल जाएगा। ये हम इसकी कॉपी आपको दे रहे हैं। जो राजेंद्र यादव टीचर अरेस्ट हुए हैं उनकी बहुत सारी संपत्तियों का पता चला है, इसी तरह हर्षवर्धन की बहुत सारी संपत्तियों का पता चला है। जगह जगह जो कागज़ मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं वो हम लोग कलेक्ट करके लाए हैं, फर्दर उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें से जो हमारे काम की होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है वो है, आपने पहले कवर किया होगा इसी JEE भर्ती में, जगदीश बिश्नोई उर्फ जगदीश जानी उसकी गिरफ्तारी। परसों शाम को उसको जवाहर कला केंद्र के पास से राम सिंह जी और बजरंग सिंह की टीम ने उसको पकड़ा था सूत्र की सूचना पे, उसको लाए हैं। वो इसी JEE भर्ती में जो पेपर लीक आउट हुआ था उसमें वो महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण कड़ी जो JEE में है उसको अंदाज़ा हो गया था जैसे ही मोट की गिरफ्तारी हुई थी गंगानगर से, तो वो देश छोड़ के अभी फरार हो गया। यूनिक बांबू जो चुरू जिले का रहने वाला है वो फरार है अभी। बाकी जो महत्वपूर्ण थे JEE पेपर लीक में जो लगभग उनको हम लोगों ने समेट लिया है, और जो पेपर लीक के दौरान कैसे इन्होंने क्या किया उसका डिटेल लगभग अब पानी की तरह साफ हो गया है। किसने क्या रोल निभाया, किसने पेपर निकाला तो कैसे निकाला, वो अनुसंधान लगभग अपनी चरम पे है। जगदीश जानी और ये जो पहले जो अरेस्टेड एक्यूज हैं भूपेंद्र सहारण भी एक मुकदमे के अनुसंधान में अभी PC रिमांड पे चल रहे हैं। इन पे गहनता से अनुसंधान की ज़रूरत है। जो इनसे अनुसंधान होगा तो कुछ महत्वपूर्ण खुलासे की हमें उम्मीद है और आने वाले टाइम में फिर आपसे मुखातिब होंगे। हाँ, उज्जैन के थाना क्षेत्र में जो हर्षवर्धन का ससुराल है वहाँ सर्च हुई है। रिकवरी क्या हुई अभी तक? रिकवरी दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और संपत्ति संबंधी जानकारी है। अलग अलग टीमें अलग अलग जगह गई थी, चूँकि सुबह जल्दी गई थी तो मोटा मोटा जो कलेक्ट हुआ है वो तो हम आपको इस प्रेस नोट से दे रहे हैं। बाकी डिटेल जब वो सब सुपुर्द करेंगे, एनालिसिस होगा तब पता चलेगा। हमें काफ़ी जानकारी है, नाम बताना उचित नहीं है बट हमें काफ़ी जानकारी है। ऐसा है, मैंने आपको बंदी बांधा ही बात बताई है, भविष्य में फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। आश्रम तो क्या है, 2 नंबर का पैसा खपाने का जगह है, बाकी तो आश्रम कोई। बहुत सारे लोग या तो बेनिफिशियरी हैं इस जो सिस्टम की गड़बड़ी है उसके, कई इस सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने में सहयोगी हैं, दोनों तरह के लोग हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए इनकी मदद ली है। काफ़ी लोगों की जानकारी हमारे पास है, समय का अभाव है, अदरवाइज काफ़ी कार्रवाई हम कर चुके होते। धीरे धीरे करके जो भी जानकारी हमारी आई है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम में मेन फोकस इससे अर्जित संपत्ति ही होता है,
वो तो डेफिनेटली कानून के दायरे में आएगा। यूनिक बांबू ये पूरा गैंग ऑर्गेनाइज है, ये सबका रोल बटा हुआ है, कौन क्या करेगा, कमांडो ऑपरेशन कौन करेगा, क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाएगा तो फैलाने का काम कौन करेगा, अलग अलग जगहों में कौन कैंडिडेट लाएगा, वो सब अपने आप में इन्होंने रोल डिवाइड किया हुआ है। अभी तो हमें फीडबैक यह है कि इस प्रवृत्ति के सारे लोग डेमोरलाइज पड़े हैं, उनको ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। शत प्रतिशत इस तरह की कमाई हुई संपत्तियों का अंतिम पड़ाव ईडी या जो नया कानून है उसके तरह जब्ती है, हम उनको भी देंगे, हमारा खुद भी अपना कार्रवाई करेंगे। नए कानून के तहत डिमोलिश का भी प्रावधान है, क्या आप क्या संपत्ति चिन्हित कर ली गई इन लोगों के? नहीं, अभी देखिए अनुसंधान में बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है और काफ़ी कुछ एनर्जी और टाइम लगता है, छोटे छोटे चीज़ को कानूनी तरीके से करने में काफ़ी समय लगता है। हमारे पास सारी कानूनी विकल्प खुले हैं, आने वाले टाइम में हम अपना प्रयास और प्रेशर दोनों पूरे इस गैंग पे और अन्य गैंग पे बराबर बनाए रखेंगे। नेपाल से संबंधित कुछ आरोपी नेपाल और अन्य देशों के अंदर भाग गए, उनको लाने के लिए कुछ प्रयास राजस्थान सरकार राजस्थान पुलिस अथॉरिटी के द्वारा? देखिए अगर जो विदेश भाग गया है तो मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए रिलेटिवली मेरा काम आसान करके गया है। कई आरोपियों की और उनके रिश्तेदारों की स्कूल संचालित हो रही है, स्कूल के लिए सभी के रोल एग्जामिन करके जो जिस कानून के दायरे में आएगा सभी को जो किया है उसको भरना पड़ेगा। देखिए पेपर लीक करने में तो अभी तक किसी महिला की भूमिका नहीं आई है, लेकिन लाभार्थी के रूप में महिलाओं की भूमिका बहुत है। ये सारे जो क्रिमिनल आपको गैंग में दिखेंगे इनकी धर्मबंदियां कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में हैं। एक के खिलाफ तो हमने हाल में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, बाकी के किसान के खिलाफ भी आने वाले टाइम में कानूनी कार्रवाई। सरिता भी फरार चल रही है? हाँ अभी फरार चल रही है। देखिए मैं इन्वेस्टिगेशन का खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग अपने तरीके से केस में जो पेंडिंग केस है उसमें देख रहे हैं।